न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम ने अपना 56वां जन्मदिन यूपी के बरनावा आश्रम में बेहद ही अलग अंदाज में मनाया। दरअसल संत गुरमीत राम रहीम ने अपनी बेटी हनीप्रीत और डेरा प्रेमियों के साथ जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पौधारोपण किया, इसके बाद तिरंगे को सलाम किया। डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम मंगलवार को 56 साल के हो चुके हैं। ऐसे में हर साल डेरा प्रेमी 56 पौधे लगाएंगे। वही पौधारोपण करते हुए डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने हरित भविष्य ही समृद्ध भविष्य का संदेश दिया है। फिलहाल आप भी देखिए डेरा मुखी संत गुरमीत राम रहीम की ये पूरी वीडियो। जन्मदिन समाज की भलाई और दुनिया को बचाने के लिए समर्पित किया। इसके अलावा संत गुरमीत राम रहीम के जन्मदिन पर डेरे के सामाजिक भलाई के कामों में दो नए काम और जोड़े गए हैं, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के लिए नजदीक जाने के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करना होगा। यानी अगर किसी को पास जगह पर जाना है तो बाइक और कार का इस्तेमाल नहीं करना, उसकी जगह पैदल या साइकिल पर ही जाना है ताकि प्रदूषण कम हो, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही अब हर साल पौधारोपण किया जाएगा और इन सभी कार्यों से प्रेरित होकर सत्संग में करीब 5600 नए प्रेमियों ने अपना नाम शाह सतनाम ग्रीन वेलफेयर फोर्स में भी दर्ज करवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।